स्मार्ट सिटी सागर में गुणवत्ता का ढिंडोरा पीटने वाली यह बीकानेर मिठाई दुकान तो लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करती आ रही थी। जी हां, इस शॉप में मिठाई बनाने के लिए लाया जा रहा मावा तो पकड़ा गया है। प्रशासन ने बड़े स्तर पर कार्रवाई करते हुए इस दुकान के कारखाने से 2 क्विंटल मावा जब्त किया है। इस नकली मावा को पकड़ने के लिए जिला प्रशासन के खाद्य विभाग की ओर से जबरदस्त रेकी की गई। इस बस से यह नकली मावा शहर में उतारा जाना था। खाद्य विभाग के अमले ने डेस्टिनेशन तक यानी यह मावा जहां उतरना था वहां तक पीछा किया और जैसे ही मावा से लोडेड यह बस कटरा जामा मस्जिद स्थित प्रतिष्ठान सोमू बीकानेर मिष्ठान भंडार के कारखाने में माल लेकर पहुंची तो फौरन टीम ने इस मावा को जब्त कर लिया। 2 क्विंटल से ज्यादा यह मावा जाँच के लिए भेजा गया और इस दुकान के संचालकों पर खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। बीकानेर मिष्ठान भंडार के संचालक पूरी तरह चुप्पी साधे हुए हैं। उत्तर प्रदेश के शहर झांसी से पीतांबरा ट्रांसपोर्ट की इस बस से यह संदेहास्पद मावा शहर के बीकानेर मिष्ठान भंडार के कारखाने में उतारा गया और प्रशासन की टीम ने इस मावे को जब्त कर लिया है।